और जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरों पर खुशी के फूल खिलाए हैं। हाँ, एक आदमी को कैसा होना चाहिए? हमारे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई, ये आदमी पैसों से नहीं अनुभवों से बात कर रहा है। आपको ढेर सारे लाइक सर। आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1,00,000 गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तरफ से ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी ही देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया था। जैसे उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्भक समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। वो लड़की बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिम्पल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप सब मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसके लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अंजलि ने डिम्पल का इंटरेक्शन करवाते हुए कहा। डिम्पल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक से उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिम्पल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जान पाती थी, इसलिए उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं पूछ रही हूँ कि ये आदमी कौन है। न सिर्फ डिम्पल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिम्पल की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइफ पर आज पहली बार आए हैं। सर, आप अभी भी हो या गए? अंजलि ने पूछा और इतने में उधर से लकी का हाँ का मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही डिम्पल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। डिम्पल को भी नहीं पता था कि एडमिन कोई और नहीं बल्कि लकी है। डिम्पल ने फौरन ही एडमिन को इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर, आप सच में बहुत ही कूल हो। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए। ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने का सोच रही थी, तो क्या आप मेरे लिए भी लाइव से जुड़ेंगे? प्रॉमिस, मैं आपको अंजलि से भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट दूंगी। डिम्पल चमकती हुई आंखों से कैमरा की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लकी भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था, तो उसने लकी से कहा, ओए लकी, उसे देखना बंद कर यार। तू जानता है कि वो 1 नंबर की लालची लड़की है। पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये। लकी ने गर्वित की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो फोन के स्क्रीन की ओर ही देखता रहा। डिम्पल, अंजलि गुस्से से डिम्पल की ओर देखने लगी। डिम्पल जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुरा कर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिम्पल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम अपना लाइफ शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने अंजलि की बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर, मैं भी अभी तक सिंगल हूँ और मुझे आज तक कोई आपके जैसा बंदा नहीं मिला। मिल भी कैसे सकता था? आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर, आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। डिम्पल ने शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिम्पल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने, तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैक फुट पर आ गई थी, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखाता तो वो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की पैसों के अलावा और किसी की सगी हो ही नहीं सकती, प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, मैं अभी तक तो सिंगल ही हूँ और आज तक मैंने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया भी नहीं है। अरे दीदी, क्या बात कर दी। एक लड़के ने नीचे लिखा,
और चौंकने वाले इमोजी चिपका दिए। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे और उसने डिंपल की ओर देखते हुए पूछा, कैसी बात कर रही हो डिंपल, सबके सामने लाइव आकर झूठ? पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। अरे तुम भी कुछ भी बोल देती हो अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहाँ तक बात रही लकी की, तो वो तो बेचारा इतना गरीब है, मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी, कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसे नोट दिलवा देती। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे, वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था लेकिन मैं उसे पैसे देने नहीं देती थी, वो मेरे छोटे भाई जैसा था। अब तुम लोग सोच रहे हो मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा था, तो ये सब बकवास है। वैसे सर, अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे। इससे पहले कि डिंपल आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन और लकी चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिंपल और अंजलि का मुंह उतर गया था। इधर लकी ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके लेट गया। लकी के दिमाग में अभी डिंपल की कई बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब डिंपल ये सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो ये सब ऐसे कह गई थी जैसे उसके और लकी के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ लकी का एक सपना था और डिंपल का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब ऐसे में अगर डिंपल को पता चलता कि लकी कौन था और फिर वो उन शब्दों के बारे में सोचती जो सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लकी को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती? लकी एक बार तो डिंपल का ऐसा चेहरा देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लकी को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन क्लास के बाद अमित भागा भागा लकी की क्लास में घुसा और लकी से बोला, लकी कोयल के साथ एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ उसके साथ? अबे तेरा डिपार्टमेंट रोशनी की प्रॉब्लम्स झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर डरबित और लकी भी मुस्कुरा दिए। अबे प्रीतम, तू दो मिनट चुप रहे। लकी भाई, कोयल कल रात को बाइक से गिर गई। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा लेकिन इस बात पर तो उसे भी हंसी आ गई थी। लेकिन वो गिरी कैसे? अरे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी, अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल लिए और बस थोड़ी ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अच्छा, फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल। प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी की क्लास में भी हल्ला होने लगा, इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लकी की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया, उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े, फिर कोयल को अस्पताल लेकर गए। रोशनी और बाकी लोग तो सुबह जल्दी ही उससे मिलने के लिए अस्पताल में चले गए थे और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल कोयल ने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम लोग उसकी खबर करके आते हैं। भाई आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार, भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो लेकिन उसका मन अच्छा है। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लकी को देखा, वो अभी भी वही बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ लकी भाई, तू नहीं आ रहा? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा, अगर मैं आया तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और भी खराब हो जाएगी। लकी अपने ना जाने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने उससे दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लकी ने भी अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई और सीधा होटल गोल्डन मेंशन के लिए निकल गया। होटल गोल्डन मेंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल्स में से एक था। होटल गोल्डन मेंशन के अंदर जाते ही लकी ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था, सब लोगों ने वहाँ सूट बूट पहने हुए थे और लकी अपने चप्पलों में ही उठकर चला गया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया था। उसने अपना फोन निकाला और देखा, उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था।
लकी ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बड़ी चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लकी ने बटन पे से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लकी ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलके बड़ी बड़ी थी। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर। उसके गले में छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लकी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो गई। लकी की तो नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। लकी ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर जा टिकी थी। लकी अब उसके कमर तक आते बालों को देख रहा था। तभी अचानक ही लकी को एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लकी ने जोर से सांस खींची और नजर ऊपर की।